तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आरजे जी कंसेप्ट में। आज है 18 फरवरी और 18 फरवरी से रिलेटेड हम सभी करंट अफेयर के बारे में जानेंगे और उनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी जानेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था तो उसके आंसर के बारे में भी चर्चा करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले कृषि पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भाइयों, इसका उद्घाटन किया गया कर्नाटक में। अब देखिए, कर्नाटक में इसका उद्घाटन किया गया और ये पहला कृषि पूर्वानुमान केंद्र है, तो इसका उद्घाटन किया किसने? इसका उद्घाटन किया हमारे पर्यावरण मंत्री। पर्यावरण मंत्री ने उद्घाटन किया। क्या नाम है पर्यावरण मंत्री का? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। अब देखिए, यहाँ पर आया कर्नाटक, तो मैप में देखिए, यह है कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोरो। कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी और गवर्नर कौन है भाइयों? यहाँ के विजू भाई वाला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन हमारे राजस्थान में किया गया। राजस्थान जो ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए, ये वायु शक्ति अभ्यास क्या है? राजस्थान के पोखरण जिले में इसका आयोजन किया गया है और अभ्यास के अंदर लड़ाकू और अग्नि क्षमता का प्रदर्शन किया गया था। ठीक है भाइयों, या किया जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पे नाम आया वायुसेना, तो वायुसेना के अभी हाल ही में अध्यक्ष कौन है हमारे? बीएस धनोवा। कौन है भाइयों? बीएस धनोवा। अब देखिए, यहाँ पे राजस्थान नाम आया तो मैप में देखिए, यह है राजस्थान। राजस्थान के, राजस्थान की कैपिटल जयपुर। राजस्थान के अभी गवर्नर कौन है भाइयों? कल्याण सिंह। और देखिए, राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वास्तविक समय की जानकारी के लिए LADIS लेडीज पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है IWAI ने। ठीक है भाइयों, ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए, इसका पूरा नाम क्या है? लेडीज। दिमाग में आया होगा कि इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है लिस्ट अवेलेबल डेथ इंफॉर्मेशन सिस्टम। और देखिए, यहाँ पर नाम आया एक और IWAI, तो ये क्या है? ये है इनलैंड वाटर वेस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है भाइयों, तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ब्रह्मांड की जांच के लिए सिरपेक्स मिशन किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नासा ने। ठीक है भाइयों, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, सिरपेक्स मिशन है क्या? ये सिरपेक्स मिशन जीवन व ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए किया गया मिशन है और किसने किया है? नासा ने। अब यहाँ पर नासा नाम आया है तो नासा के बारे में जान लीजिए। नासा का पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है भाइयों, और इसकी स्थापना कब की गई? 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। ठीक है भाइयों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सतत विकास सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये सम्मेलन आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है भाइयों, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में UN ने किसे नियंत्रक और सहायक महासचिव नियुक्त किया है? तो भाइयों, ऑप्शन सी चंद्रमौली रामनाथन। चंद्रमौली रामनाथन को UN ने नियंत्रक और महासचिव, सहायक महासचिव नियुक्त किया है। अब देखिए, यहाँ पे नाम आया है UN, तो UN के बारे में भी जानिए। देखिए, UN की स्थापना कब की गई? 24 अक्टूबर 1945 में। और हर साल 24 अक्टूबर को UN दिवस मनाया जाता है। ठीक है भाइयों, UN डे आता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है भाइयों? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और देखिए, इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है भाइयों, तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7।
हाल ही में पांचवी भारत बांग्लादेश संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भाइयों, पांचवी भारत बांग्लादेश संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? हमारे नई दिल्ली में। ठीक है भाइयों, अब देखिए यहाँ पर नाम आया बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। मैप में देखिए, ये है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी टका। और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? अभी अब्दुल हमीद। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। ठीक है भाइयों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में स्वच्छता उत्कृष्टता पुरस्कारों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भाइयों देखो, स्वच्छता उत्कृष्टता पुरस्कारों में रायगढ़, ऑप्शन सी जो होगा इसका सही हो जाएगा, रायगढ़ शीर्ष में रहा है। अब देखिए, एक चीज़ दिमाग में हो रही होगी कि सेकंड नंबर पर कौन रहा है, तो सेकंड नंबर पर रहा है अंबिकापुर। कौन रहा है? अंबिकापुर सेकंड नंबर पर। और देखिए, थर्ड नंबर पर कौन है? तो कुंभकोणम, ये थर्ड नंबर पर है। ठीक है भाइयों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में ये येनु को स्वदेशी लोगों के रूप में मान्यता किस देश ने दी है? देखो भाइयों, येनु प्रजाति को स्वदेशी लोगों के रूप में जापान ने, ऑप्शन सी जो है इसका, जापान ने मान्यता दे दी है। अब देखिए, ये येनु प्रजाति जापान के अंदर पाई जाती है और ये अल्पसंख्यक में थी। अब यहाँ पे नाम आया है जापान, तो मैप में देखिए जापान। अब देखिए, जापान में, जापान की कैपिटल क्या है भाइयों? टोक्यो। जापान की करेंसी येन। और देखिए भाइयों, जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी? शिंजो अबे। और इसके साथ एक क्वेश्चन और अच्छा सा बनता है कि जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। क्या नाम है भाइयों? डाइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में पहाड़ी बांध आधुनिकरण परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो भाइयों, पहाड़ी बांध आधुनिकरण योजना का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब देखिए, ये योजना है क्या? ये योजना जल संग्रहण के लिए की गई है, यानी कलेक्शन ऑफ वाटर। और देखिए भाइयों, किस नदी पर की गई है? इससे क्वेश्चन ये बनता है, कहाँ और किस नदी पर की गई है? तो ये झांसी में दशांत नदी पर की गई है। इस परियोजना का आयोजन झांसी की दशांत नदी पर किया गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने आवासीय छात्रों के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया है, तो वो कहाँ किया गया है भाइयों? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन हमारे महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है भाइयों, अब देखिए यहाँ पर नाम आया है महाराष्ट्र, तो हम महाराष्ट्र के बारे में भी जान लेते हैं। मैप में देखिए, ये है महाराष्ट्र। अब देखिए यहाँ के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और देखिए यहाँ के गवर्नर कौन है? विद्यासागर राव। और भाइयों, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। ठीक है भाइयों, आगे चलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन था किस मंत्रालय ने ई औषधि पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए भाइयों, आयुष मंत्रालय ने ई औषधि पोर्टल लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में 72,400 असोल्ट राइफल खरीद के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो आपको इसका आंसर कमेंट में देना है और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में आंसर दे, ताकि डिटेल में आंसर देने से आपको याद रहे। धन्यवाद।